अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो बेस है वो कहीं भी नहीं जाएगा हमारे फेस पे ऑयल आने के बाद। ये आप देख सकते हैं वाइफ से भी बिल्कुल बेस नहीं आई है। वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बेस को निकाल देता है, बट आप देख सकते हैं कि वाइफ से भी बिल्कुल बेस नहीं आई है। और ये बहुत ज़्यादा गीला है वाइफ, और मैंने पानी भी डाला है अपने फेस पे बहुत ज़्यादा, और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन, आपकी बेस कहीं भी नहीं जाएगी। और अगर आपको फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है तो आपने क्या करना है, बस टिश्यू से इस तरीके से अपने फेस पे कर लेना है। ये सारा पैनकेक का कमाल है, जब आपके फेस पे ऑयल आता है तो ये पैनकेक आपके बेस को इधर से उधर नहीं होने देती, बस आपने ऑयल को जो है वो टिश्यू से या वाइप से साफ़ कर लेना है। वो बता दीजिए कि मेरा जो फाउंडेशन है वो चार से पाँच घंटे चल जाए, बट मैं आपको ऐसा मेकअप बताऊंगी कि वो आपका पूरा दिन चलेगा और आपका मेकअप इधर से उधर कहीं भी नहीं होगा। बहुत अच्छा फाउंडेशन मैं आपको बताऊंगी। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, गर्मियों में लोग शादियाँ भी रखते हैं। सो गाइज, मैं आप लोगों को आज बताऊँगी समर मेकअप लुक, आपकी फाउंडेशन कहीं भी इधर से उधर नहीं होगी। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, चलें स्टार्ट करें। गाइस, अगर आपको अपना मेकअप जो है फ्लॉलेस रखना है और आप चाहते हैं कि वो बहुत देर तक चले और आपकी बेस जो है वो ना हटे, तो आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये तीन चीज़ें ज़रूर अप्लाई करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र, कोई भी सिरम या कोई भी सूथिंग लोशन। मैं यहाँ पर सूथिंग लोशन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास सिरम है तो आप सिरम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले आप सिरम लगाने से पहले आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र बिल्कुल थोड़ा सा अप्लाई करना है, उसके ऊपर आपने सिरम अप्लाई करना है। मैं यहाँ सूथिंग लोशन अप्लाई कर रही हूँ। तो सूथिंग लोशन अप्लाई करेंगे हम, ओके बेबी दे रही हूँ। और आपने इस तरीके से रिगड़ना नहीं है, आपने क्या करना है उसको बस ऐसे अपने स्किन में डैप डैप करना है, बिठाना है आपने इस तरीके से। सनस्क्रीम अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट, सनस्क्रीम अप्लाई करनी है अपने फेस पर। बहुत अच्छी सनस्क्रीम है, इसमें जो मैं जो सनब्लॉक यूज़ कर रही हूँ ये आपके फेस में ऑयल को लॉन्ग लास्टिंग तक कंट्रोल करके रखती है और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है सन से, और फेस पे बहुत अच्छा ग्लो भी देती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास प्राइमर, और प्राइमर आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है समर में। प्राइमर जो है आपने बस ज़रा सा लेके इसको इस तरीके से लगा लेना है, बस आपने वहाँ वहाँ अप्लाई करना है जहाँ से आपको ज़्यादा ऑयल आता है फेस पर। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा लगा लूँगी और पूरे फेस पर इसको मैं मिक्स कर दूँगी। दो मिनट के लिए आपको प्राइमर को ड्राई होने के लिए छोड़ना होगा, फ़ौरन से फाउंडेशन और बेस नहीं बनानी आपने। अब बारी आती है हमारी फाउंडेशन बनाने की, स्टिक और पैनकेक। और अगर आपके पास वाटरप्रूफ फाउंडेशन हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको वो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में यूज़ करनी पड़ेगी। इसे जो है मैं ज़्यादा आपको रेकमेंड करूँगी स्टिक यूज़ करने के लिए। स्टिक जो है वो आपके फेस पर जमी रहती है और बिल्कुल भी इधर उधर से उधर नहीं होती है, और उसके ऊपर आप जब पैनकेक अप्लाई करते हैं तो वो बहुत बेस्ट हो जाता है दोनों का कॉम्बिनेशन। हम स्टिक को अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, मिनिमम क्वांटिटी में ही यूज़ करेंगे स्टिक को भी समर में। सब वाटर ऐड करना है इसके अंदर और इसका पेस्ट बना लेना है। ये जो है जल्दी से ड्राई हो जाता है, तो आपको इसको जल्दी जल्दी से ब्लेंड करना होगा। थोड़ा थोड़ा ही अप्लाई करती जाऊँगी और ब्लेंड करती जाऊँगी। पहले मैं जो है स्टिक को ब्लेंड कर लेती हूँ तो ज़्यादा इजी हो जाएगा हमें। मैंने जो इसका पेस्ट रेडी किया है इसको मैं डैप डैप करके अप्लाई करूँगी मैं, और थोड़ा थोड़ी जगह करूँगी, थोड़ा थोड़ा एरिया हम लेंगे और उसको अच्छे से डैप कर लेंगे। इससे जो है फाउंडेशन बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है। दोनों साइड आप देख सकते हैं। अब मैं अपनी बेस को जो है वो लूज़ पाउडर से सेट कर लूँगी।
इससे आपकी बेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। तो आपने क्या करना है, बहुत भर भर के अपने फेस पे लूज पाउडर लगाना है और उसके बाद उसको डस्ट ऑफ करना है ना। आपको लगाना है कंसीलर और बहुत मिनिमम क्वांटिटी में यूज़ करेंगे आप, बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है। दैट्स इट, बस इतना सा आपने कंसीलर अप्लाई करना है अपनी आईज के नीचे। हम चिन पर और थोड़ा सा हम फॉरहेड पे कर लेंगे, नोज पे भी अप्लाई कर लेंगे। अब इसको हम करेंगे बहुत लाइटली, भी डैप करेंगे बहुत ज़्यादा लाइटली। इस तरीके से आपने बहुत लाइटली डैप करना है। बहुत फिनिशिंग लुक आती है, बहुत अच्छी लुक आती है कंसीलर से। आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंस, आपको फिर भी नज़र आ रहा होगा डिफरेंस दोनों में। देन मैं आईब्रो जेल से अपनी आईब्रो को सेट कर लूँगी। डायरेक्ट इनर से नहीं स्टार्ट करना है, इनर कॉर्नर से डायरेक्ट हमें सेंटर से स्टार्ट करना है। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जा के छोड़ देना है, उसके बाद हमें इस तरीके से इसको नीचे लाना है। ऊपर की तरफ मैं लाइन क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैंने बस नीचे लाइन क्रिएट करी है। इस तरीके से इसको ऊपर किया है, यहाँ से इन कर दिया। अब मैं इसको फिल कर दूँगी, बाहर की तरफ नहीं कर रही मैं, अंदर ही अंदर फिल कर रही हूँ। और जो अब मेरे ब्रश में बचा है उसको मैं आइस के इनर कॉर्नर पे आईब्रो को सेट कर दूँगी। पुली से कॉम कर लूँगी। ब्रश में कंसीलर को लेके इसको सेट कर लूँगी। बहुत फिनिशिंग लुक आती है। गर्मियों में हमें बहुत लाइट मेकअप करना चाहिए। और आप जब भी ब्रश में शेड को पिक करें तो उसे डस्ट ऑफ करें। देखें आप कितना शेड गिरा है। अब मैं इस शेड को पूरी आईज पे ब्लेंड कर दूंगी, क्रीज लाइन तक अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे हम। आई शेड को अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छी करनी है। बस मैं वन शेड अप्लाई करूँगी और इसके ऊपर मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी और आप देखिएगा कितना ब्यूटीफुल हमारा आई मेकअप लगेगा। आप शेड कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग। हाइलाइटर मैं मिस रोज का अप्लाई कर रही हूँ और मैं ब्रश को थोड़ा सा वाटर में डिप करूँगी। ग्लो गन पर अप्लाई करूँगी मैं, आउटर साइड से अप्लाई करना स्टार्ट करना है। आउटर साइड से हम अप्लाई करेंगे। अब जो ब्रश में प्रोडक्ट रह गया है उसे हम इनर साइड पे ब्लेंड करें। इनर साइड पे हमें डालकर नहीं अप्लाई करना है, इनर साइड पे सिर्फ ब्लेंडिंग करनी है जो ब्रश में प्रोडक्ट बचा है उससे। और अगर नहीं हो तो आप थोड़ा सा ले सकते हो प्रोडक्ट और फिर उसे फिंगर से डैप डैप कर देना इनर साइड पर। मैं इसे इनर साइड पे भी लगा लूँगी, नीचे भी लगा लूँगी आई से कॉर्नर पर डैप डैप करूँगी ब्रश को। आप चाहें तो इसे आईलाइनर के ऊपर भी लगा सकते हैं हाइलाइटर को। थोड़ा थोड़ा पार्ट लेंगे हम आईलाइनर का इस तरीके से। बहुत अच्छी टिप है ये, इस तरीके से और इस तरीके से। बिल्कुल आपने आईलैशेस की लाइन के ऊपर लगाना है, बिल्कुल उससे ज़्यादा ऊपर जाना ही नहीं। आपने सोचना बस आपने आईलैशेस की ऊपर ऊपर लगाना है, वो कभी भी आपका लाइनर आईलाइनर बड़ा नहीं होगा। अब हम इसको आपस में मर्ज कर देंगे लाइंस को। थोड़ी सी आईलाइनर की लाइन जो है वो मैंने बाहर निकाली है। इसको ये जो हमारी आईब्रो की लाइन है इधर तक लेके आऊँगी।
जितना हमने फिंगर का डिस्टेंस छोड़ा है अंदर की तरफ मर्ज कर दिया। देन हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। मस्कारा हम बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा शेड हम आइज के नीचे पे मस्कारा हमने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी आईलैशेस। आईलैशेस को इस तरीके से करना है आपने। आईलैशेस ग्लू लगाने के बाद आपने इसे थोड़ा सा ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने इसे बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से सेंटर में आपने छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आपने इसे बैक साइड से पकड़ के इस तरीके से ज्वाइन करना है और फिर इनर साइड से पकड़ के। आईलैशेस अप्लाई करने के बाद हमें ब्रश से आईलैशेस को डैब डैब कर लेना है ताकि हमारी आईलैशेस अच्छे से लग जाएं। आईलैशेस पे नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ आपने क्या करना है अपने फेक आईलैशेस को इस तरीके से यहाँ लगाना है कि ये मर्ज हो जाए आपस में आपकी आईलैशेस से। आपने पूरी आईलैशेस पे नहीं लगाना है, वो बहुत फेक लुक देती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं कर लूँगी बहुत लाइट सी नोज कंटूरिंग। ब्रश में हमने शेड लिया है और इसे हम इस तरीके से कंटूर कर लेंगे। बहुत लाइट कंटूरिंग कर लूँ मैं। फिंगर से जितना अच्छा आपका ब्लेंड होता है ना मेकअप, किसी चीज़ से भी नहीं होता। ठीक हो गया। थोड़ी सी मैं फेस की भी कंटूरिंग कर लूँगी। लिफ्टेड लुक दे रही हूँ मैं, तो इस तरीके से मैं करूँगी। पहले थोड़ा सा यूँ लगाऊँगी, थोड़ा सा यूँ, उसके बाद मैं उसको ब्लेंड कर दूँगी। अब मैं अप्लाई करूँगी थोड़ा सा क्रीम ब्लश। उसके ऊपर मैं लगाऊँगी पाउडर ब्लश। बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है ऐसे आपका ब्लश ऑन। थोड़ा सा हम चिन पर भी अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा नोज़ पर भी अप्लाई करेंगे। आइस का मुझे बहुत लाइट लग रहा है मेकअप, तो मैं थोड़ा सा पाउडर ग्लिटर अप्लाई कर लूँगी। मैं हल्का सा डैब कर दूँगी अपनी आईलिड के ऊपर और फिर अच्छे से फिंगर से ही ब्लेंड कर दूँगी। बहुत प्यारा लुक आ जाता है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ना चेंज सी हो गई हैं आइज़ बिल्कुल ना। अच्छा, आई एम यूजिंग हाईलाइटर। हाईलाइटर को मैं ब्रश में अच्छे से लेके उसे डस्ट ऑफ करके उसके बाद मैं अपनी नोज़ पे अप्लाई करूँगी इस तरीके से। ब्रश बहुत लाइट रखना है, बिल्कुल भी ज़ोर से नहीं अप्लाई करना है इसको। ज़ोर से मैं फिंगर से ब्लेंड कर लूँगी। हाईलाइटर बहुत ज़बरदस्त है ये। आपने बहुत हल्के हाथ से, मैं बिल्कुल ना टच कर रही हूँ, बहुत हल्के से टच कर रही हूँ उसको। चिन पे भी कर लूँगी और लिप पे भी लगा लूँगी। लिप पे भी लगा लूँगी इसको मैं। लिप की आउटलाइन कर लूँगी और लिप की आउटलाइन में बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालूँगी, बिल्कुल अंदर ही अंदर लिप की आउटलाइन करेंगे हम। मिला के लिपस्टिक बनाइए। लिप शेड मैंने अप्लाई कर लिया, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करूँगी। बन गया हमारा बहुत ब्यूटीफुल सा शेड। मुझे तो ये शेड बहुत पसंद है, आपको कैसा लगता है ये शेड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, हो गया है मेरा आज का मेकअप लुक, समर मेकअप लुक। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो वीडियो, मेरा मेकअप ज़रा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल यमुना आलियन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल सके मैं जब नई वीडियो अपलोड करूँ। ये वाइप बहुत ज़्यादा गीला है और मैंने पानी भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसकी फाउंडेशन बाहर नहीं आई है।
देख सकते हैं आप ये प्रूफ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपको आज का मेकअप लुक अच्छा लगा होगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इतनी मेहनत पे एक लाइक तो ज़रूर बनता है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।